ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम आठ मुखी ओरिजिनल पहचान के बारे में बता रहे हैं कि नेपाली आठ मुखी को पहचान कैसे किया जाता है। ये सब जो मैंने साफ़ करने के लिए रखा है, आज मैं इसको साफ़ करके यह प्रमाणित करूं किसका पहचान कैसे होता है। अब मैं इसको साफ़ करता हूं। थोड़ा साफ करना बाकी। बहुत से लोग उदराक्ष धारण करते हैं लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं कि मैं ओरिजिनल उदराक्ष की पहचान क्या है, नकली उदराक्ष की पहचान क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है नहीं। लेकिन इसीलिए बहुत से लोग नकली उदराक्ष को मार्केट में बेच रहे हैं। मैं इसको पहचान बताऊंगा कि इसका ओरिजिनल उदराक्ष की पहचान क्या है। मैं लगभग उदराक्ष साफ कर दिया, या तो पहचान इसको आप अपने आँखों से कर सकते हैं अगर आपको पहचानने आ रहा है तो, नहीं तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आइजल हो गया, अन्य अन्य सर्टिफिकेट हो गए। क्योंकि मुझसे बात होती है कि सर मेरे को आइजल सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरा तो हम लोग का फार्म है उदराक्ष का, तो हम लोग प्रोवाइड सिर्फ कर सकते हैं, पेंट शर्ट तोड़ सकते हैं। मैं आपको कहूँ कि ओरिजिनल उदराक्ष है, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आप दूसरे से चेक करवा लीजिए। आइजल आइजल के पास चेक करवाएंगे 300-500 हज़ार रुपया यानी उसका जो चार्ज हो ले सकता है। लेकिन मैं आपको खुद पहचानने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको वह एक्स्ट्रा खर्च से आप बचे रहें। हम देखिए, ये मैंने साफ कर दिया है, अब से मैं एक देख बार ये लाइन है, अब ये लाइन पर गौर कीजिए। अगर ये आर्टिफिशियल रहेगा तो इसमें ब्लेड किया रहेगा, कटा हुआ रहेगा, तो आप भी पहचान सकते हैं। जैसे किसी लकड़ी को काटते हैं तो वह निशान रहता है, लेकिन एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो आपको समझ में, ये प्राकृतिक है, ये सब प्राकृतिक है, आपको समझ में। मार्केट में सात मुखी का आठ मुखी बनाकर बेचा जा रहा है। मेरे को कॉल आता है, सर मेरे को नकली आठ मुखी आ गया, ये आ गया, तो मैं कहता हूँ कि आपने वो चेक नहीं किया होगा आपको, ताकि ये आठ मुखी सब नेचुरल है। देखिए इसका है,
उद्राज की पहचान कोई भी कर सकता है। अब बारीकी से देखिए लाइन, ये 26-27 mm का दाना है जो भारी दाना है, पका हुआ दाना है, इसका वजन नहीं तो लगभग 5-6 ग्राम का बीज का होगा यार। बीच में भी एक लाइन, आप इसको कितना भी साफ करेंगे, कितना भी बरस मारेंगे, कैसा भी बरस मारेंगे, दाना आपको डैमेज नहीं हो सकता। लेकिन कमज़ोर दाना होगा, जो कम पका हुआ दाना रहेगा, आप मारेंगे वो आपको डैमेज हो जाए। लेकिन ये जो भी मेरा बीड से उसका पका हुआ, अगर आपको किसी भी तरह से इंक्वायरी चाहिए जानकारी इस बारे में, तो आप हमें कॉल किसी भी टाइम में लग सकते हैं। जितना साफ कीजिए उतना वो चमकदार होते जाएगा। इसकी कोई खास ज़्यादा कीमत है नहीं, लेकिन मार्केट में आप रिटेल में ले रहे हैं तो आप उसको दोगुना तीन गुना इसी का चार्ज देना पड़ेगा, जबकि होलसेल में इसका रेट बहुत ही कम है। कोई भी जानकारी हो तो आप हमसे किसी भी